एक के बाद एक चाकूबाजी की घटना करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास वनवानी उम्र 25 वर्ष ने अपनी गर्लफ्रेंड का गिरवी रखा लैपटॉप छुड़ाने के लिए एक ही दिन में 4 वारदात की थी, जिसमें एक में असफल हुआ था। इसके लिए उसने अपने एक रिश्तेदार युवक को अपने साथ लिया था। दोनों ने रविवार के दिन 6 घंटे में 3 घटनाओं को अंजाम दिया और पुलिस को चकमा देते हुए गलियों में फरार हो गए थे, लेकिन देर रात दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी विकास ने अपने साथी मोहित के साथ मिलकर रविवार सुबह ड्यूटी पर जा रहे पेट्रोल पंप कर्मी से चाकू की नोक पर बाइक छीनी थी, फिर बाइक की नंबर प्लेट बदल दी थी। उसी लूट की बाइक से दोनों ने चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया था। करीब 9 बजे उन्होंने महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक सब्जी वाले से रुपए मांगे थे। मारपीट का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों को भगा दिया। उसके थोड़ी देर बाद चित्रगुप्त कॉलोनी में सब्जी ठेले वाले से पैसा मांगा। पैसा नहीं देने पर सब्जी वाले पर चाकू से हमला कर फरार हो गए थे। उसके बाद दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय से रुपए मांगे। उसके मना करते ही बदमाशों ने उसके पेट में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने 3 घटनाओं में एक बाइक व 1450 रुपए लूटे थे। नीट यूजी एग्जाम के दिन एक ही दिन में 3 वारदात होने से शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शहर के 22 जगहों पर नाकाबंदी करवाई थी। अब है कमांड सेंटर से बदमाशों की लोकेशन पर नजर रखी जा रही थी। वारदात करने के बाद बदमाश गलियों में निकल गए और कपड़े बदल लिए। देर रात नाकाबंदी के दौरान बाइक पर भागते हुए दोनों बदमाशों को मोहनलाल सुखाड़िया विस्तार योजना नाता से पकड़ लिया है। बदमाशों को पकड़वाने में जवाहर नगर थाना के कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह की प्रमुख भूमिका रही है। मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP केसर सिंह शेखावत ने बताया, आरोपी विकास बनवानी गुलाबबाग बजरंग नगर बोरखेड़ा हाथ भितरियाकुंड से ऊपरी का निवासी है, जबकि मोहित महावीर नगर विस्तार योजना का रहने वाला है। विकास के खिलाफ बोरखेड़ा व जवाहर नगर थाने में भी 2 मामले दर्ज है। रात इनसे गहनता से अनुसंधान हुआ, जो जानकारी मिली उसके आधार पर जो विकास वनमाली है, जिसकी पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के एक लैपटॉप जो गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए ये एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया।